हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, इन्हें हम देखने जा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो ये जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट के लिए डिफर करता है। किसी चीज क्लास में सिलेबस में कोई टॉपिक रहता है, किसी क्लास में सिलेबस में कुछ डिफरेंट रहता है। तो आपका जो सिलेबस है उसको देखते हुए आप क्वेश्चंस का चयन करेंगे। मैंने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ओवरऑल एक सिलेबस है जो उसको देखते हुए मैंने ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले हैं। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। तो इनमें ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो मे बी आपके किसी एक क्लास के सिलेबस में ना हो तो आप उन्हें इग्नोर करते हुए जो आपका सिलेबस है उसको देखते हुए क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करेंगे। पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सभी सिलेबस का पार्ट रहता ही है। कुछ एडवांस जो टॉपिक्स रहते हैं वो कई सिलेबस में रहते हैं या कई सिलेबस में नहीं रहते हैं। तो बेसिक सवाल तो सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय पढ़ने वालों को तैयार करना ही पड़ेगा। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस का जो सबसे बेसिक यूनिट रहता है, फर्स्ट यूनिट रहता है, उसमें नंबर सिस्टम जरूर होता है। तो उस पर से एक सवाल जरूर आता है। यहां मैंने नंबर सिस्टम पर बेस्ड दो सवाल लिखे हैं। तो इन दोनों में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा जिसमें सेकंड वाले क्वेश्चन तो आप ये मानकर चलिए 100% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर नंबर सिस्टम है तो सेकंड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो जहां थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना हो तो जरूर न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सवाल सॉल्व भी कर लेंगे और आपका जो नंबर है वो मैक्सिमम मिलता है। मतलब न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं कटते हैं। तो हमेशा न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो उस केस में फिर आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय बेस ऑफ नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। एक थ्योरी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम को समझाइए और उनके कौन क्या बेस होते हैं। हर एक नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। आप इसे मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस पर आधारित एक सवाल पूछा जा सकता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। या इससे भी ज्यादा जो 100% आपके अगर सिलेबस में नंबर सिस्टम है तो 100% ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 जरूर आएगा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन, नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन पार्ट है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, इस पर आधारित सवाल जरूर आता है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है उसके जो कन्वर्जन मेथड है उन्हें आप तैयार कर लीजिए। और हर एक मेथड में से किसी भी मेथड में सवाल पूछा जा सकता है। 3-4 सवाल जनरली इसमें डिफरेंट कन्वर्जन मेथड के पूछे जाते हैं। तो यहां मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिखा है, जैसे बेस है 2 मतलब बाइनरी 2, बेस है 10 मतलब डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, या फिर बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टल, इसमें से बेस कन्वर्जन पर बेस सवाल जरूर पूछे जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने हर कन्वर्जन मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इनमें से तो एक सवाल आ गया, दूसरा जो सवाल तैयार होता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अर्थमेटिक पार्ट के लिए। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल भी 100% पूछा जाता है। तो कन्वर्जन और अर्थमेटिक, जो बाइनरी अर्थमेटिक है, इनमें से अगर आपने इन पोर्शन को तैयार कर लिया तो आप मानकर चलिए आपके एक या दो सवाल आपसे बन गए। और अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, इन मैथड को भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 1 में जरूर रहता है और पूछा जाता है। इसके बाद जो बेस है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो है लॉजिक गेट्स। डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं,
हमारा बेस जो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये लॉजिक गेट्स ही होता है। इन गेट्स के माध्यम से, के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सर्किट तैयार होते हैं। तो कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स है या कौन कौन से लॉजिक गेट्स है, हर एक लॉजिक गेट को उसके डायग्राम और ट्रुथ टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो इस पर एक सवाल जरूर पूछा जाता है, एक्सप्लेन वेरियस लॉजिक गेट्स विद डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। तो लॉजिक गेट पर सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज है, RTL, RRL, बहुत सारे लॉजिक फैमिलीज होते हैं, इस पर भी बेस सवाल पूछा जाता है, अगर ये आपके सिलेबस में है तो। लॉजिक गेट तो जरूर होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी क्लासेस के सिलेबस में। लॉजिक फैमिली डिपेंड करता है, अगर आपके सिलेबस पे मेंशन है तो फिर पूछा जा सकता है। तो फिर अगर लॉजिक फैमिली मेंशन है तो इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं आप, एक्सप्लेन एंड कंपेयर डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, डिफरेंट बुलियन लॉज होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे बुलियन एलजेब्रा के कई लॉज होते हैं, उन लॉज पर बेस्ड एक सवाल जरूर पूछा जाता है और ये हर सिलेबस का पार्ट होता ही है। तो अगला जो क्वेश्चन तैयार होता है वो है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा, ऑल्सो स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम। जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें जो हमारा बुलियन एलजेब्रा पार्ट है, इसके अंतर्गत कई डिफरेंट लॉ है और थ्योरम्स है, इस पर बेस एक सवाल भी पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम। डिफरेंट बुलियन लॉज जो है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, या डिफरेंट थ्योरम्स है उनमें से किसी एक थ्योरम को पूछ लेगा, या सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट का जैसे कि हमारे जो लॉजिक गेट है वो बेसिक हमारे तीन एंड और नॉट गेट है, इसके अलावा दो यूनिवर्सल गेट है नैंड और नॉर। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट क्यों कहलाता है, इस पर भी एक सवाल पूछा जा सकता है, Why NAND and NOR gates are called universal gate? तो universal gate पर भी एक सवाल आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर आपके सिलेबस में लॉजिक गेट है, जो कि रहता ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो लॉजिक गेट क्या है, विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट को समझाइए, या NAND और NOR gate को universal gate क्यों कहते हैं, ये दो क्वेश्चन होता है। लॉजिक फैमिली अगर आपके सिलेबस में है, सिलेबस को देखिए आप, तो डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर करने के लिए भी पूछा जाता है। इसके साथ लॉजिक गेट के बाद बुलियन एलजेब्रा जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता ही है, उसके जो डिफरेंट लॉ है, इन पर पैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इतना पोर्शन है अगर आपने तैयार कर लिया तो ये मानकर चलिए इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये यूनिट 1 और 2 को हमारा कवर कर लेता है। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूछे जाते हैं अगर वो आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस को देखते हुए इन टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इन अगर ये टॉपिक है तो इनमें से ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जैसे एक्सप्लेन इट के कैटेगरी में मैंने इन्हें डाला है, BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर, BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर। अगर कोड कन्वर्टर आपके सिलेबस में है तो दो प्रकार के कन्वर्टर को पूछा जाता है, एक BCD टू ग्रे कोड और एक BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर। ये अगर है सिलेबस में तो पूछा जाने की संभावना इसकी भी है। इसके अलावा जो बेसिक है, लॉजिक गेट हमने पढ़ लिया, लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट तैयार होते हैं, सर्किट्स तैयार होते हैं, उनमें जो सबसे बेसिक सर्किट है एडर, हाफ एडर और फुल एडर, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज हाफ एडर, व्हाट इज फुल एडर, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, बाकायदा उसके पूरे सर्किट के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा सबट्रैक्टर पे भी सवाल पूछे जाते हैं, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर होता है, इस पर भी सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पर एडर पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू सबट्रैक्टर। इसके बाद जो आपके रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर पर भी बेस्ड एक अगर सिलेबस में रजिस्टर्स तो पूछे जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका शिफ्ट रजिस्टर, जिसको पूछा जाता है। ये छोटे छोटे इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं जिन्हें डिटेल में भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। तो आप सिलेबस को देख लेंगे, इनमें से जो आपके सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करेंगे। इसके बाद के मैप, कार्नो मैप अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके सिलेबस में है
तो आप मानकर चलिए 100% के मैप से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन के मैप, के मैप क्या है? थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं उतना पूछा जाता है, तैयार आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको मेथड को समझना है तो उसको आप पढ़ेंगे ही। तो के मैप होता क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ के मैप्स होते हैं, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप, और ये जो 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप्स है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन के मैप, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ कीजिए, 3 वेरिएबल को कीजिए या 4 वेरिएबल को के मैप को ड्रॉ कीजिए। तो ये सवाल अगर के मैप है तो जरूर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में अगर फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप से 100% एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। इसके कई प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इनमें से किसी भी 2 फ्लिप फ्लॉप, 3 फ्लिप फ्लॉप को भी पूछा जाता है, पर्टिकुलर एक किसी फ्लिप फ्लॉप को पूछा जा सकता है। तो फ्लिप फ्लॉप को ओवरऑल जरूर तैयार कीजिए अगर सिलेबस में है। इसके बाद आपका मल्टीप्लेक्सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी सिलेबस में रहता है। मल्टीप्लेक्सर क्या है इसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। और इसके बाद आपका कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट, अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट है तो इन पर जो कंपेरिजन है या डिफ्रेंशिएशन है इस पर भी एक सवाल पूछने की प्रॉबेबिलिटी होती है। और इसके अलावा जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, अगर आपके सिलेबस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है तो इस पर एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके बाद अगर आपके सिलेबस में के मैप है तो उसके साथ सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम जरूर होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट कीजिए या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम को सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए, इस पर भी न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस हो गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, और उसके बाद आपका लॉजिक फैमिली हो गया, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर्स हो गया, एडर सबट्रैक्टर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, इनकोडर डिकोडर हो गया, के मैप हो गया, एसओपी और पीओएस हो गया, इन पर से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अपने सिलेबस को देखते हुए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं।